तो दोस्तों, मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, जो कि है PUBG Lite वर्सेस Free Fire। ठीक है, PUBG Lite वर्सेस Free Fire का कंपैरिजन वीडियो आज ये मैं डालने बताने वाला हूं आप लोगों को। तो यार, वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि यार इस वीडियो में बहुत सारे चीज़ें के ऊपर हम बताए हैं। ठीक है, तो यार पूरा वीडियो अंत तक देखना, और यार लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना। तो चलो यार, वीडियो शुरू करते हैं। तो एकदम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। हम लोग का पहला पॉइंट है लोडिंग स्क्रीन। तो कौन सा हमें लोडिंग स्क्रीन अच्छा है ये देखेंगे। तो हम लोग अभी खोल ले रहे हैं PUBG मोबाइल लाइट। तो चलो, PUBG मोबाइल लाइट आ गया, हम लोग का खुल रहा है धीरे धीरे। तो चलो ये साउंड बढ़ा लेते हैं थोड़ा, लेकिन आपको साउंड सुनाई में नहीं देगा। तो चलो इधर हम लोग साउंड बढ़ा लिए। ये खोलने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, क्यों लगा रहा है मेरे को नहीं मालूम। जो भी है, मेरा फ़ोन उतना स्लो नहीं है। चलो खुल गया PUBG कंपनी। इधर ऐसा यार, मेरे को पहली बार सच बताऊं तो यार ये जैसे लग रहा है, पहली बात मैं बता रहा हूँ, ये जैसे लग रहा है फ़ोटो जैसे स्लाइड होते जा रहा है। इस फोटो से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये फ़ोटो जैसे स्लाइड होते जा रहा है। और बस कोई स्टार्ट का ऑप्शन नहीं, एकदम डायरेक्ट तुम लॉबी के अंदर चले जाओगे। तो मेरे को उतना कंपेटेबली फ्री फायर से उतना भी अच्छा नहीं लगा। तो फ्री फायर कब देखते हैं, जैसे कि ये फ्री फायर का है, ये रियलमी ग्रुप दिखा रहा है, गेम स्पेस दिखा रहा है, ऐसा नहीं दिखा था किसी का में। और फ्री फायर का ये में भी प्रॉब्लम है कि जो खुलता है स्लाइड खुलता है, वो भी फ़ोटो जैसा दिखता है, ऐसे फ़ोटो जैसा हो रहा है ये। लेकिन ये लॉबी मतलब ये इंटरफेस मेरे को बहुत पसंद लगता है, क्योंकि यार इससे एक अलग टाइप का एनिमेशन आता है। ठीक है, जैसे कि बालों में आग टाइप का जल रहा है। तो मैं इसमें बोलना चाहता हूँ कि फ्री फायर बहुत अच्छा काम किया है PUBG मोबाइल लाइट से, इसमें फ्री फायर जीतता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, कितना मैप कितना दिया हुआ है PUBG लाइट में और फ्री फायर में। तो PUBG लाइट में फ़िलहाल हम लोग को एक मैप मिलता है, वो है एरेंगल का, और आर्केड में एक वार मैप मिलता है। लेकिन यार वो अभी अनलॉक ब्लॉक होकर पड़ा हुआ है, जेल से निकालना पड़ेगा तब वो लॉक अनलॉक होगा। ठीक है, तो चलो फ्री फायर का बात करें। तो फ्री फायर का यार छोड़ ही दो, फ्री फायर का यार बहुत सारा मैप है, पहले इसको वो कर लेते हैं, तो बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहा है। ठीक है, डुओ स्क्वाड सब खेल सकते हो, उसमें भी है। तो इधर क्लासिक है, क्लासिक, फिर डेथ अपराइजिंग, रश आवर, फिर आप लोग का रैंक मैच, परगेटरी का है, बहुत सारा। कुछ दिन पहले यार ऑलवेज मोड देता ही रहता है फ्री फायर अपने इसमें। तो मैं बोल सकता हूँ कि फ्री फायर इसमें अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो नेक्स्ट बात है गेम का लॉबी किस में सबसे ज़्यादा बेस्ट है, पबजी में या फ्री फायर में? तो चलो यार, इसमें क्या लगता है जानते हो, गेम का लॉबी देखने के बाद ये जो कैरेक्टर लगता है थोड़ा क्या ओल्ड इंटरफेस जैसा मेरे को लगता है। लेकिन यार उतना भी ख़राब नहीं है, ठीक ठाक है। पीछे का बैकग्राउंड उतना भी ख़राब नहीं है, पीछे का बैकग्राउंड ठीक है। लेकिन यार थोड़ा ग्राफिक्स में चेंज करने का बहुत ही ज़्यादा दरकार है PUBG मोबाइल लाइट में। और जो मेरे को सबसे दिक्कत है PUBG मोबाइल लाइट में, वो है जो कैरेक्टर दिया हुआ है उससे। क्योंकि कैरेक्टर में यार देखो, पूरा बुढ़ा बना दिया, बुढ़ा टाइप का कैरेक्टर बना दिया है इसको। ठीक है, तो इसमें मेरे को दिक्कत है। और देखो यार, तुम लोग देख सकते हो इसका, अब दिखाते हैं आपको एक चीज़। जैसे हम इसको मार्क्स हटा दिए, इसको थोड़ा घुमा लेते हैं। इधर देखो इधर क्या लग रहा है हम लोग को, अगर जूम करके दिखाया जाए तो। यार जूम कर सकते हो अगर तुम लोग, तो करो यार, क्योंकि ये देखो एक आँख छोटा एक आँख बड़ा ऐसा लग रहा है। क्योंकि यार ये क्या बता, आपको कुछ बताने का ही नहीं है, एक आँख छोटा और एक आँख बड़ा। यहाँ पे देखो दोनों आँख सेम लग रहा है। अभी यहाँ से काटेंगे, रुक जाओ काटते हैं। अब देखो एक आँख छोटा एक आँख बड़ा लग रहा है, कैसा लग रहा है यार। ये ग्राफिक्स में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस दरकार है PUBG मोबाइल लाइट में। लेकिन यार बैकग्राउंड जो बोल रहा हूँ लॉबी के अंदर, ये यार अच्छा है, ख़राब नहीं है। तो फ्री फायर का बात कर लेंगे, तो फ्री फायर का हम लोग इंटरफेस खोलते हैं गेम लॉबी। तो फ्री फायर का गेम लॉबी यार अच्छा है, बुरा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। इसमें यार गन ले सकते हो हाथ में। ठीक है, और मेरे को फ्री फायर में उतना कंपैरेटिवली हम, मैं बोलना चाहता हूँ कि PUBG लाइट इससे अच्छा है। बैकग्राउंड जो आप लोग देख रहे हो पीछे से शाम होकर पड़ा हुआ है, ऐसे शाम नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा ब्राइटरनेस अगर बढ़ा दिया जाए फ्री फायर में तो यार बहुत अच्छा होगा। क्योंकि पिछला सीजन में जो सब आया था तो उसमें बहुत अच्छा दिया था। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि इसमें PUBG लाइट यार जीत गया है। ठीक है, जो पहला उस सब देखने से पहले आप लोग जो नहीं देखा है, इन लोगों को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करने के बाद ऑल पे जाकर सिलेक्ट करो। जो लोग ने कर दिया उन लोग यार दिल से थैंक यू, जो लोग ने नहीं किया यार ऑल पे जाकर सिलेक्ट कर देना सब्सक्राइब के बाद। तो चलो यार, हम लोग का चार नंबर पॉइंट के ऊपर जाते हैं। चार नंबर पॉइंट है हम लोग का इनगेम लॉबी और पैराशूट। यार वीडियो ऐसे लंबा हो गया है तो मैं थोड़ा एक ही बार में दो पॉइंट लगा दें, इनगेम लॉबी। तो ये देखो, ये PUBG का इनगेम लॉबी है, मतलब गेम के घुसने से पहले जो हम लोग को मैच स्टार्ट से पहले जो होता है वही वाला है।
देखो हम लोग का इधर है, इधर हम लोग का शुरू हो गया है पबजी। जो ग्राफिक्स ग्राफिक्स उतना ख़राब नहीं है, लेकिन यार ये कंपैरेटिवली फ्री फायर से उतना भी अच्छा नहीं है। हाँ ये बोल सकते हो कि यार ये वाइडर है, इसका जगह स्पेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ये लोग दूर तक फैला के रखा है अपना इलाका, ठीक है। तो यार ये अच्छा है, अच्छी बात है, ये देख के मेरे को बहुत पसंद आया। तो अब बात करते हैं कि इसमें एरोप्लेन कैसा टाइप का है। एरोप्लेन जिस सेम जैसा दिखता है वैसा ही है, एरोप्लेन में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ से लैंडिंग का प्लेयर 60 दिखा रहा है, ठीक है। तो 60 जन खेलता है एक मैच में, लेकिन यार उतना भी अच्छा नहीं है, मेरे को जितना दूर मिला उतना भी अच्छा नहीं है। तो लीव का ऑप्शन आ रहा है, हम लोग लीव करते हैं, ठीक है। यहाँ पर लीव का ऑप्शन पर आ गया, हम लोग लीव कर देंगे अभी। उसके साथ जो मैं ये रैंडम खेल रहा हूँ, सोलो लगाया था, लेकिन ये डुओ लग गया कैसे मेरे को नहीं मालूम। मैं उतना पबजी लवर नहीं हूँ, मैं पबजी खेलता नहीं हूँ, फिर भी यार कुछ कुछ केसेस में पबजी लाइट कंपैरेटिवली अच्छा है, लेकिन यार हर केसेस में पबजी लाइट उतना भी अच्छा नहीं है। तो यार पैरासूट में ऐसे कूदता है यार, जैसे नॉर्मल लगता है वैसे ही ये लोग कूद देता है, जैसे नॉर्मल सब कोई कूदता है पैरासूट से एरोप्लेन से निकलने के बाद, तो वैसे ही सेम ये कूदा है अपना अड्डे पर। तो ये कूद रहा है, रुक जाओ थोड़ा ठीक से संभाल के कूदते हैं। तो कूद गया, ये सेम टू सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन ये थोड़ा अनरियलिस्टिक लगता तो यार बहुत अच्छा लगता, क्योंकि यार ये गेम है कोई सचमुच का है नहीं। तो यार चलो हम लोग फ्री फायर में आ गए हैं, फ्री फायर में हम लोग मैच मेकिंग कर दिए हैं। रुक जाओ मैच इतना देर में लगता है, थोड़ा टाइम बात कर लेते हैं क्या जाता है यार। तो चलो यार इधर हम लोग का मैच मेकिंग लग गया है, लॉबी आने वाला है। चलो 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 3 2 1 आ गया, चल लॉबी आ गया हम लोग का। तो देखो यार फ्री फायर का मैं बात करूँ लॉबी के ऊपर, तो फ्री फायर का लॉबी यार बहुत अच्छा है, ख़राब नहीं है बिल्कुल भी। और यार इसमें एक चीज़ मेरे को बुरा लगता है कि यार इसमें थोड़ा स्पेस कम दिया गया है, थोड़ा वाइडर स्पेस बढ़ा देना चाहिए। और यार एक बात बताता हूँ, थोड़ा घर घर भी इसके अंदर देना चाहिए, तो यार ये कंपैरेटिवली अच्छा ही लगेगा। लेकिन पबजी लाइट देखो यार, पबजी लाइट अलग चीज़ है और फ्री फायर अलग चीज़ है, फिर भी यार फ्री फायर बहुत अच्छा काम करता है, ये अपने अपने स्टेज में यूनिक पोजीशन रखता है, ठीक है। लेकिन यार पबजी लाइट इससे थोड़ा बेटर है, मैं बोलना चाहता हूँ गेम लॉबी के अंदर में। तो जिसको जैसा पसंद है यार, लेकिन यार मेरे को पहली बार मैं पबजी लाइट खेला उसमें थोड़ा सा अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि उसका कलर और थोड़ा वाइडर स्पेस है इसके कारण। तो यार हम लोग अभी दिखाने वाले हैं आप लोग को कि यार एरोप्लेन से हम लोग कूदेंगे अभी, अभी नहीं, हाँ अभी कूद जाएंगे यार, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, नहीं तो क्लॉक टावर बहुत दूर हो गया। तो इजेक्ट करते हैं हम लोग, इजेक्ट करने के बाद यार जैसे आपको कूदना है कूदना। इधर देखो हम लोग को सर्फ बोर्ड मिलता है या फिर स्काई बोर्ड, कुछ भी यार कुछ भी बोलता है बहुत जन, ठीक है। स्काई बोर्ड बोला जाता है या फिर सर्फ बोर्ड बोला जाता है इसको, एक्चुअली ये ऐसे कूदता है। तो यार इसमें जैसे पबजी में दिखाया गया कि नॉर्मली कूद गया, लेकिन यार नहीं, ये इसका सब बोर्ड लेके कूदता है, फिर जाके ये इसका जो क्या नाम है इसका खोल देता है अपना पैराशूट, हाँ पैराशूट अपना ये खोलता है। तो चलो यार यहाँ पे एकदम लॉबी में ऊपर कूद गए। तो यार ऐसा ही है, उतना डिफरेंस है नहीं फ्री फायर और पबजी में, लेकिन यार अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग डिफरेंशिएशन है फ्री फायर और पबजी में। ओ फ्री फायर यार अच्छा है, ख़राब नहीं है, लेकिन फ्री फायर में थोड़ा बहुत चेंजेस नहीं, पबजी में चेंजेस लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार पबजी में चेंज ग्राफिक्स में चेंजेस लाना दरकार है। फिर बहुत सारे ऐसे केसेस में पबजी में चेंजेस लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार पबजी उतना पबजी लाइट का बात करें, सॉरी पबजी बोलते जा रहे हैं, पबजी लाइट का बात करें, पबजी का लाइट में चेंजेस लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यार वो फ्री फायर के साथ कंपैरेटिवली टक्कर नहीं दे पाएगा, वैसा फ्री फायर का हालत है, क्योंकि फ्री फायर ऑलमोस्ट बहुत ही ज़्यादा तगड़ा है। और यार मैं एक बात बताता हूँ, OB17 का अपडेट, हाँ OB17 का अपडेट मैंने वीडियो नहीं डाला, क्योंकि यार मेरा टाइम बहुत चला गया इस वीडियो के कारण, इस वीडियो बनाने में यार बहुत ही ज़्यादा टाइम चला गया मेरे को, क्योंकि एक बार पबजी से हमको वीडियो क्लिप लाना पड़ रहा था, एक बार फ्री फायर से, तो यार ऐसे करके टाइम बहुत चला गया। और यार मेरा अभी स्कूल चल रहा है फिलहाल, तो यार मेरे को टाइम बहुत ही कम है, मेरे को मिला बहुत ही कम टाइम मिला, तो यार इसी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया, और मैं अभी डालूंगा भी नहीं, क्योंकि यार बहुत जन बता दिया है OB17 में क्या अपडेट आ रहा है। तो यार मैं कोशिश करूंगा कि OB17 आने अपडेट आने के बाद गेम में क्या क्या चेंजेस आए उसके वीडियो फुटेज के साथ आप लोगों को समझाने का। तो यार चलो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। और यार जिन लोगों ने घंटा नहीं प्रेस किया है तो घंटा का आइकन पर ज़रूर जाकर प्रेस कर दीजिएगा, ऑल हॉल पे जाकर सिलेक्ट कीजिएगा। और यार अगर आपको पबजी लाइट के हम तो थोड़ा सा सिर्फ पॉइंट बताए हैं, क्योंकि यार थोड़ा सा करने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन यार अगर आपको इससे भी बढ़कर अच्छा अच्छा चीज़ें चाहिए तो यार आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।